मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। आज हम लैंगिक जनन के बारे में स्टडी करेंगे। कक्षा 7 का पाठ नंबर 8 है, तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प जो होते हैं पादप के जनन अंग होते हैं। तो पादप का जो जनन अंग होता है वो फूल होता है, पुष्प होता है। पुंकेसर नर जनन अंग कहलाते हैं और स्त्री केसर मादा जनन अंग कहलाते हैं। अब एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों को पृथक करिए। पुंकेसर स्त्री केसर के विभिन्न भागों को अध्ययन करिए। ऐसे पुष्प जिसमें ना तो पुंकेसर अथवा स्त्री केसर उपस्थित होते हैं उनको एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही उपस्थित होते हैं उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे के पौधों में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। क्या पुंकेसर में पराग कोष और तंतु को पहचान सकते हैं? पराग कोष में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। तो पुंकेसर में क्या होते हैं? पराग कोष और तंतु हम देख सकते हैं। पराग कोष में परागकण पाए जाते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनते हैं। अब हम समझते हैं परागण क्या होता है। सामान्यतः पराग कणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि पराग कण हल्के होते हैं अतः वे वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्प पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर पराग कण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार किसी अन्य पुष्प पर बैठता है तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ पराग कण गिर जाते हैं। पराग कणों का पराग कोष से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वयं परागण कहते हैं। जब पुष्प के पराग कण उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर घिसते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। निषेचन। आइए अब हमने परागण समझा, अब हम समझते हैं निषेचन क्या होता है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका को युग्मनज कहते हैं। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। अब हम समझते हैं फल और बीज का विकास कैसे होता है। आइए समझते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से फल बीज विकसित हो जाते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजारण की तरह रहता है। कुछ फल गुदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम और सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट आदि। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं, बीज प्रकीर्णन। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन या खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए किसी पादप के सभी बीज एक स्थान पर गिरकर वहीं उग गए। आपके विचार से परिस्थिति में क्या होगा? पादपों के नवोद्भिद के बीच धूप, जल, खनिजों के लिए गंभीर प्रतिस्पर्धा होगी। संभवतः उनमें भी कोई स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम होती है।
प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में विकसित होने में सहायता होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। प्रकृति में पादपों पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और तंतुओं द्वारा होता है। सहजन तथा द्विफल जैसे पादप के पंख युक्त बीज होते हैं, घासों के हल्के बीज अथवा आग के रोम युक्त बीज, सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, ऐसे बीजों फल के आवरण स्पंजी व तथा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, से बीज जंतुओं के शरीर पर चिपक जाते हैं, दूरस्थ स्थानों तक पहुंच जाते हैं। इनके उदाहरण है यूरेना और जेंथियम। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं उसके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं, बीज उनके जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बालसम के पादप में ऐसा ही होता है, तो ये आप समझ सकते हैं। आइए इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। पादप में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना तथा मूल जैसे कायिक भागों में नए पादप उगाए जाते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग है। एक लिंगी पुष्प में या तो नर या फिर मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। नर युग्मक मराकणों के अंदर, मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। किसी पुष्प के पराग कोष से उसी पुष्प अथवा अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण का प्रक्रम जो होता है उसको परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में परागकण पराग कोष से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परपरागण में एक पुष्प के पराग कोष से उसी प्रकार से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानित होते हैं। परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और तंतुओं के द्वारा होता है। बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या में वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के रसप्रदा को कम करने के लिए नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। तो थैंक यू सो मच।